नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो ये कंपटीशन रिंग में 2 फरवरी 2018 की मॉर्निंग का मिल्क रिकॉर्ड अब किया जाएगा यहां पर। तो हम देख सकते हैं ये पवन सर की बफलो है, एक बफलो इनकी अबसेंट है। तो ये ओम प्रकाश सर की ये दोनों बफलोज हम देख सकते हैं जो कि दिल्ली से हैं। एक का नाम सर ने सोनिया बताया था और एक का मेनका बताया था। तो ये देख सकते हैं ये जो बफलो है लक्ष्मी डेयरी फार्म से, जिसका कल 14 केजी 990 ग्राम मिल्क जिसका निकाला गया था 1 फरवरी 2018 की शाम को। ये बफलो देख सकते हैं, ये भी लक्ष्मी डेयरी फार्म से है, शेरबाज सर का जो डेयरी फार्म है। ये बफलो देख सकते हैं करमवीर सर के डेयरी फार्म से है जो कि कुरुक्षेत्र से है। ये लाडो बफलो देख सकते हैं रमेश सर की जो कि दासू विलेज से है, पिछले महीने इसी ने मिल्किंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन जीती थी लाडो बफलो ने। और ये यहाँ पर अनिल सर अपनी बफलो लेके आ रहे हैं, तो ये अनिल सर की यहाँ पर बफलो है इस वाले रिंग में। और ये लास्ट रिंग है, ये जयवीर सर की दोनों बफलोज आई हुई हैं। तो कल शाम की अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक ही बफलो अबसेंट है जो कि पवन सर जो कि हिसार से हैं, उनकी बफलो अबसेंट है और बाकी सारी बफलोज आई हुई हैं। तो अभी मिल्किंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CIRB की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इंश्योर करेंगी कि मिल्किंग कंपटीशन हर तरह से फेयर हो, किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो, माल प्रैक्टिस को अडॉप्ट ना किया जाए, क्योंकि उससे जो फिर ये कंपटीशन करवाने का जो मोटो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो यहाँ पर मोटो यही रहेगा कि जो सुपीरियर बफलो है जिसकी मिल्क यील्ड काफ़ी अच्छी है उसी का सिलेक्शन या उसी का रिकग्नाइजेशन हो पाए, उसी का पता चल पाए कि वो बफलो अच्छी नस्ल की है और अच्छे जीन्स की है, ताकि उस तरह के जीन्स फिर आगे चल के प्रमोट हों। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं CIRB हिसार जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बफलोज के ऊपर रिसर्च के फील्ड में। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं किसानों को अच्छी ब्रिड के बारे में प्रोत्साहन देने के लिए और उनमें एक ब्रिड इम्प्रूवमेंट की फीलिंग को इन्फ्यूज़ करने के लिए ये यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जनवरी महीने में भी एक ऐसा ही मिल्किंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था और ये फरवरी में 2 फरवरी 2018 को भी एक मिल्किंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आज सुबह की मिल्किंग रिकॉर्ड होगी, शाम की होगी और कल सुबह की होगी। तो ये देख सकते हैं हम मैनेजमेंट देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिंग के अंदर ज़्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। तकरीबन हर एक बफलो के पास CIRB की अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं, खड़ी हैं, इंस्पेक्ट कर रही हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर मिल्किंग कंपटीशन का ये नज़ारा। कौन है ग्रीन वाले? अच्छा अरजीत सिंह। अच्छा अच्छा डॉक्टर ग्रीन वाले। चलो मैं अभी जाके बना के लेके आता हूँ। तो ये बहुत ही शानदार मिल्किंग आप देख सकते हैं CIRB कैंपस में ऑर्गेनाइज की है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि CIRB हिसार के जो डायरेक्टर सर हैं जो इंद्रजीत सर हैं वो खुद मिल्किंग कंपटीशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बिल्कुल एक्टिव हैं, तत्पर हैं और हर तरह से इंश्योर कर रही हैं कि जिस मोटो के साथ ये
मिल्किंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है वो मोटो जरूर फुलफिल हो। तो ये हम सर से डायरेक्ट आपको मिलवा रहे हैं, सर हैं डायरेक्टर ऑफ सीआईआरबी हिसार से, और सर हर तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि मिल्किंग कंपटीशन जो इस कैंपस में है वो हर तरह से फेयर हो, उसमें कोई माल प्रैक्टिस ना अडॉप्ट की जाए। और सर खुद देख सकते हैं 5:30 बजे खुद यहाँ पर कंपटीशन रिंग में आकर इंश्योर कर रहे हैं कि उनके सामने ही मिल्किंग हो, कहीं उन्होंने अपनी पावर्स डेलीगेट ना करते हुए खुद हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली है अपने हाथों में। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और यहाँ पर विजिलेंट दिख रही हैं, किसी भी प्रकार की ढिलाई इस कंपटीशन में ना बरती जाए, कहीं कोई किसी के साथ अनफेयर ना हो। और ये यहाँ पर मिल्किंग कंपटीशन को खुद इंस्पेक्ट करते हुए, खुद रिकॉर्ड करते हुए, तो तकरीबन 5 से लेकर 6 पार्टिसिपेंट्स हैं इस मिल्किंग कंपटीशन में। तो मुख्यतः उनमें करमवीर सर कुरुक्षेत्र से हैं, उनकी एक बफलो ने पार्टिसिपेट किया है, लक्ष्मी डेयरी फार्म से 2 बफलोज आई हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रमेश सर धांसू विलेज से लाडो बफलो के साथ जिसने पिछले महीने 1st पोजीशन जीता है, उसके अलावा जयवीर सर, ओम प्रकाश सर और पवन सर, ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि आज मिल्किंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 1 बफलो की मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं रमेश सर की लाडो बफलो की ये जो मिल्किंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। और जो बफलोज हैं उनकी मिल्किंग अभी चल रही है, ये देख सकते हैं करमवीर सर की ये जो बफलो है करमवीर सर के डेयरी फार्म से है, ये दोनों बफलो देख सकते हैं, ये लक्ष्मी डेयरी फार्म पंजाब से है, सुखबीर सर को यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी रुचि लेते हुए। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं मिल्किंग कंपटीशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अभी मिल्क रिकॉर्ड हो रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है, तो जिस इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती एरर की। तो 830 तो जो फर्स्ट मिल्क रिकॉर्ड हुआ है वो 8830 जो कि अनिल कुमार सर की, हाँ जो बफलो थी। ये किन का है, ये नंबर बता दो। 10 नंबर है, 10 नंबर 10 नंबर पवन कुमार। तो ये जो मिल्क रिकॉर्ड हो रहा है वो पवन कुमार सर की बफलो का है। थोड़े से आप तो ये देख सकते हैं 9 kg 60 grams अनिल सर की बफलो का ये मिल्क रिकॉर्ड यहाँ पर। 10 नंबर का ले गोपाल सैंपल, ओ सॉरी पवन सर का ये यहाँ पर मिल्क रिकॉर्ड था 9 kg 60 grams। क्या नाम है, रमेश दानसू। तो नेक्स्ट बफलो जिसका मिल्क रिकॉर्ड हो रहा है वो है रमेश दानसू सर की, 6 नंबर। ये 12 kg 620 grams रमेश सर की, हाँ 12 620 ठीक है ना। Thank you.
जीरो अच्छा कितने नंबर है बाल नाम बताइए सर जयवीर जयवीर तो ये जयवीर सर की बफलो का यहाँ पर मिल्क रिकॉर्ड किया जा रहा है सात नंबर का निकाल गोपाल तो ये 8 केजी 370 ग्राम देख सकते हैं यहाँ पर इस बफलो का 8 केजी 370 ग्राम तो ये जीरो कर देंगे कितना हर बार तकरीबन थोड़ा सा मिल्क बाल्टी के जो लगा रह जाता है उसके बाद दोबारा से उसकी रीसेट कर दिया जाता है सर नाम बताइए जयवीर की दूसरी है ये जो बफलो है ये भी जयवीर सर की ही बफलो है तो टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स थे तो और उनकी 10 बफलोज थी तो कुछ एक पार्टिसिपेंट्स की दो दो बफलोज भी थी तो ये यहाँ पर देख सकते हैं जयवीर सर की 780 सात के जी 980 ग्राम 2 फरवरी 2018 की मॉर्निंग का मिल्क रिकॉर्ड यहां पर हो रहा है हम देख सकते हैं 2 फरवरी 2018 की मॉर्निंग का मिल्क रिकॉर्ड है ये CIRB हिसार कैंपस में वीडियो में देख सकते हैं सर खुद एंश्योर कर रहे हैं इंद्रजीत सर खुद एंश्योर कर रहे हैं कि मिल्किंग रिकॉर्ड हर तरह से ट्रांसपेरेंटली हो नंबर दो 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 तो ये देख सकते हैं ओम प्रकाश सर की ये बफलो का मिल्क रिकॉर्ड हो रहा है अब ये देख सकते हैं 7 केजी 280 ग्राम ये मिल्क रिकॉर्ड करवाया है सर यहाँ पर पास ही खड़े हैं ओम प्रकाश सर की बफलो थी गोपाल दो नंबर वाले में ले ले 7 केजी 280 ग्राम इस बफलो ने अपना 2 फरवरी 2018 की मॉर्निंग का मिल्क रिकॉर्ड करवाया है एक नंबर ओम प्रकाश की तो ये ओम प्रकाश सर की दूसरी बफलो का मिल्क हम देख सकते हैं रिकॉर्ड करवाया जा रहा है तो 9 केजी 320 ग्राम ओम प्रकाश सर की ये बफलो का मिल्क रिकॉर्ड है यहाँ पर ये एक नंबर है मॉर्निंग का मिल्क है गोपाल एक नंबर ओम प्रकाश सर की ये दोनों बफलोज थी जो कि हीरा मोती बुल के लिए काफी जाने जाते हैं हरियाणा में ये देख सकते हैं 20 ग्राम जो दूध बचा हुआ था बाल्टी में उसका कांटा काट दिया गया एक मिनट जीरो कर दीजिए बाल्टी हटा दे एक बार यूं यूं तोड़ लो नहीं नहीं एक मिनट जीरो करो तो ये देख सकते हैं क्योंकि बाल्टी में दूध ऊपर तक भरा हुआ है तो किसी भी प्रकार से वो दूध बिखरे ना वो चीज खुद इंद्रजीत सर ने एंश्योर किया है कि 14 केजी 450 ग्राम मिल्क रिकॉर्ड करवाया है शेरबाज सर की बफलो ने लेकिन अभी बाल्टी का वेट इसमें से लेस कर दिया जाएगा डबल हो गया ये इसलिए करवाया तो कल शाम को क्योंकि इसका इन सर का जो मिल्क थोड़ा स्पिल हो गया था बिखर गया था उस चीज को रिपीट ना करते हुए यहाँ पर एक बार बफलो की विद बाल्टी मिल्क रिकॉर्ड कर लिया है और अभी दूसरी बाल्टी में अब इसको एम्प्टी कर रहे हैं खाली कर रहे हैं देख सकते हैं आप वॉच करके मैं निकाल दूंगा एक पीछे रख लीजिए इधर गोबर है तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार मिल्क रिकॉर्ड शेरबाज सर की
बफलो ने यहाँ पर दर्ज करवाया है। तो ये देख सकते हैं मिल्क रिकॉर्ड शेरबाज सर की बफलो का है 13520 13 केजी 520 ग्राम। क्योंकि ये बफलो सबसे आगे चल रही है इसलिए 920 हर तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि मिल्क रिकॉर्ड में कहीं किसी प्रकार की एरर ना आए, जो सही मिल्क रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड हो। कितना तकरीबन 13 केजी 320 13 केजी 520 ग्राम लक्ष्मी डेयरी फार्म जो कि शेरबाज सर की है, उन बफलो ने आज 2 फरवरी 2018 की मॉर्निंग को 13 केजी 520 ग्राम मिल्क रिकॉर्ड यहां पर करवाया है। देख सकते हैं हम धन्नो बफलो का ये मिल्क था। और ये लास्ट तकरीबन एक और है, इसके बाद ये भी शेरबाज सर की डेयरी फार्म से ही ये बफलो है। ये 3 नंबर पे है गोपाल, ले लिया 3 नंबर ले लिया 4 नंबर का है ये। शाम के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है, मतलब उसी रेशियो में। तो ये लास्ट बफलो का यहाँ पर मिल्क रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी एक और है इसके बाद, माफी चाहूंगा मैं यहाँ पर। तो ये शेरबाज सर की जो बफलो है, दूसरी बफलो, उनका मिल्क रिकॉर्ड है 10 केजी 980 ग्राम, 90 ग्राम, 10 केजी 990 ग्राम, जो कि सर ने अपने रिकॉर्ड के लिए भी लिख लिया है। सैंपल दे दो, ये जो लास्ट जिस बफलो का मिल्क रिकॉर्ड हो रहा है वो करमवीर सर के डेयरी फार्म से है। बहुत ही शानदार, जो भी ये 5 नंबर है। तो वो बीमार हो तो 11120। तो ये देख सकते हैं करमवीर सर की जो बफलो थी, उन्होंने 2 फरवरी 2018 की मॉर्निंग में 11120 ग्राम मिल्क रिकॉर्ड करवाया है। तो ये बहुत ही शानदार मिल्किंग कंपटीशन इस सीआईआरबी कैंपस के मिल्किंग रिंग में यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम उम्दा अच्छी बफलोज यहाँ पर आई हुई हैं, मॉर्निंग का मिल्क रिकॉर्ड करवाया है, शाम का मिल्क रिकॉर्ड और करवाएंगे। देखते हैं कौन सी बफलो उभर कर इनमें चैंपियन बनती है और फर्स्ट पोजीशन अपने नाम करती है। थैंक यू वेरी मच।